हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन, इसमें और हम साथ में ए इनवर्स भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी मैट्रिक्स ए लिखा हुआ रहेगा, इसको हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखनी है। वो क्या होती है? वो होती है मॉडुलस ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू जीरो। आपको मालूम होगा, ये आपने पहले पढ़ा होगा आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू वेक्टर। नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है। क्या होगा यहाँ पर? मॉडुलस 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1, ये माइनस 1, यहाँ पर 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, ये माइनस 1 1, माइनस 1 और 2 माइनस लैम्डा, और बराबर में क्या चल रहा है? ज़ीरो। अब क्या करना है आपको? अब आप सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है डिटर्मिनेंट को। तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, ऐसा ही रहेगा, ब्रैकेट ये गए और ये, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1 1 1 हो गया। फिर इसका ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा आपका प्लस का 1, और ये गया और ये गया, तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का लैम्डा, और ये माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। फिर आप प्लस 1 लेंगे, प्लस 1 जाएगा तो क्या होगा? ये गया और ये गया, तो 1 1 1 माइनस 2 और प्लस लैम्डा, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा ऐसा ही रहेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 1 प्लस 1, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम प्लस ऐसे ही लगा देंगे। ये आपका माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? माइनस 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस 1 ऐसे ही, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा, और ये आपका माइनस 1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है हमें, तो मैं 2 माइनस लैम्डा ऐसे ही रहेगा, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 3, तो ये आपको हो जाएगा प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस 1। तो आगे सॉल्व करेंगे, अब 2 माइनस लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा और प्लस 6। अब इसके बाद माइनस लैम्डा करूँगा तो माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर और आपका माइनस का 3 लैम्डा, और प्लस क्या चल रहा है? प्लस लैम्डा लैम्डा हो जाएगा 2 लैम्डा, तो आपको हो जाएगा प्लस माइनस 3 लैम्डा, प्लस का आपका हो जाएगा 2 लैम्डा और माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें तो माइनस का लैम्डा क्यू लिख दूंगा, फिर यहाँ पर स्क्वायर देख लो तो ये 2 ये लिखा है और एक ये लिखा है, तो कितना हो जाएगा आपका? ये 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा, तो 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो माइनस का 9 लैम्डा, और 6 में से 2 जाएगा तो प्लस का 4 इक्वल्स टू 0 चल रहा है, यहाँ पर 0 जरूर लिखिएगा। तो माइनस का लैम्डा क्यूब है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये लैम्डा क्यूब माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 4 बराबर 0। तो ये आपका जो आ जाता है, जैसे हम आइगन वैल्यू वेक्टर में करते हैं तो यहीं तक सॉल्व करते हैं, पर यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। कैली हैमिल्टन थ्योरम में बस यहीं से स्टार्ट करना है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, जो लैम्डा जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ आपको ए लिखना है। क्या लिखना है वहाँ पर? आप एक तो ये हो जाएगा ए का क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 बराबर 0, ये आपको लिखना है। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको ए क्यू निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, और ए की वैल्यू आपके पास है ये, और इस वैल्यू को पुट कर देना है, और फाइनल आंसर आपको क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर आपको फाइनल आंसर 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको, मतलब आपने सही किया और ये वेरीफाइड होती हो, नहीं आता है तो नहीं हो पाएगी। तो अब ए क्यू निकालते हैं हम, तब हम ए क्यू तो डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे, तो नाउ इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लो, अभी ए क्यू कैसे निकालेंगे? ए इंटू ए आपका ए स्क्वायर होगा, तो ए क्या है आपका? 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। बस अब इसको हमें मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, तो करते हैं। तो पहली रो और ये कॉलम का मल्टीप्लाई करें, पहली रो और ये तीनों कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टू ज़ा 4 माइनस 1 प्लस 1 1 और माइनस 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा।
तो आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, बाकी मैं बता ही रहा हूँ। अब पहली रो का पहले कॉलम सब दूसरी कॉलम से होगा, तो टू वन ज़ा टू तो माइनस का टू, माइनस वन माइनस का टू और वन माइनस वन। फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू वन ज़ा टू माइनस माइनस प्लस वन और वन प्लस टू। अब इससे करेंगे पहली रो और तीनों कॉलम कंप्लीट हो गए, अब दूसरी रो तीनों कॉलम करेंगे, माइनस वन तो माइनस का टू, टू तो माइनस टू और ये माइनस का वन। फिर इससे करेंगे दूसरे तो माइनस माइनस प्लस वन, टू टू ज़ा फोर और माइनस माइनस फिर से प्लस वन। और यहाँ पे करेंगे माइनस का वन, माइनस का टू और माइनस का ही टू। अब दूसरी रो कंप्लीट, अब तीसरी रो से करेंगे तो वन इंटू टू, टू माइनस माइनस प्लस वन और टू वन ज़ा टू, माइनस वन माइनस टू माइनस टू। और ये क्या हो जाएगा आपका, वन वन ज़ा वन प्लस वन और टू टू ज़ा फोर। तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा, तो आपका ए स्क्वायर क्या आएगा, आपका ए स्क्वायर जो आएगा वो आएगा फोर प्लस वन प्लस सिक्स आया, ये भी आपका माइनस टू माइनस टू माइनस का फाइव आया और ये आपका फाइव आया। यहाँ पे करेंगे तो ये आपका माइनस का फाइव हो गया, ये आपका प्लस का फाइव हो गया और ये आपका सॉरी ये सिक्स होगा ये, और ये आपका माइनस का फाइव हो गया। फिर ये आपका टू टू फोर फाइव हो गया, ये माइनस का फाइव हो गया और ये आपका सिक्स हो गया। तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया, क्या निकल गया आपका ये ए स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब निकालते हैं हम। अब हम निकालेंगे ए क्यूब, ए क्यूब क्या होता है आपका ए स्क्वायर इंटू ए होता है, तो ए स्क्वायर ये की वैल्यू अभी हमने निकाली और ये ए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वही जैसे पहले किया था, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, फाइव प्लस फाइव और फाइव वन ज़ा फाइव प्लस फाइव। फिर इसका करेंगे इसमें माइनस का सिक्स, फाइव टू ज़ा टेन माइनस और फाइव वन ज़ा वन माइनस। फिर इसका करेंगे सिक्स वन ज़ा सिक्स माइनस माइनस प्लस फाइव और फाइव टू ज़ा टेन। अब आएंगे सेकेंड रो पे, फाइव टू ज़ा टेन माइनस सिक्स वन ज़ा सिक्स और फाइव वन ज़ा माइनस फाइव। फिर इसका करेंगे तो प्लस का फाइव, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व और फाइव वन ज़ा फाइव। थर्ड रो में करेंगे माइनस फाइव माइनस सिक्स और माइनस टेन हो जाना है, फाइव टू ज़ा टेन प्लस फाइव सिक्स वन ज़ा सिक्स, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन और सिक्स वन ज़ा सिक्स, फाइव वन ज़ा फाइव प्लस फाइव और आपका सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व। तो क्या होगा आपका ए क्यूब ट्वेल्व, फाइव फाइव मतलब ट्वेंटी टू, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस सिक्स माइनस टेन माइनस सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी वन, सिक्स फाइव इलेवन ट्वेंटी वन, माइनस टेन तो ये माइनस का ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू, तो ये आपका ए क्यूब आ गया। तो हमने जो भी हमें रिक्वायरमेंट था वो हमने निकाल लिया है, ए क्यूब ए स्क्वायर और ए हमारे पास है ही। तो हमारे पास जो कैली हैमिल्टन जो हमारे पास इक्वेशन आई थी उस वैल्यू में, उसमें हमें इन सबकी वैल्यू पुट करनी है। तो वो क्या इक्वेशन थी, वो इक्वेशन क्या थी, तो जो इक्वेशन क्या थी कैली हैमिल्टन थ्योरम जो हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी वो ये थी, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस नाइन ए माइनस फोर आई इक्वल टू जीरो। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए ए स्क्वायर ए क्यूब इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, ये रही आपकी ए क्यूब की वैल्यू, ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू माइनस सिक्स। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी रही सिक्स माइनस फाइव फाइव, माइनस फाइव सिक्स, माइनस फाइव फाइव, माइनस फाइव सिक्स। और ए की वैल्यू कितनी, प्लस नाइन, ए की वैल्यू कितनी है, टू माइनस वन वन, माइनस वन टू माइनस वन, वन माइनस वन टू और साथ में माइनस फोर। और आई की वैल्यू क्या होगी, वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन, आइडेंटिटी एलिमेंट। आंसर कितना आना चाहिए, आंसर ज़ीरो आना चाहिए, बराबर किसके आना चाहिए, ज़ीरो के। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो ये तो आपका ए क्यूब ऐसा ही रहेगा, मैं एक साथ ही कर देता हूँ, ट्वेंटी टू सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स, तो माइनस का थर्टी सिक्स प्लस नाइन टू ज़ा एटीन और माइनस फोर, ठीक है, एक साथ मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद ट्वेंटी वन है, माइनस का ट्वेंटी वन, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, प्लस का थर्टी आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का नाइन और यहाँ पर ये ज़ीरो आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट में क्या होगा आपका, ये आएगा 21, 6 5 जो माइनस का 30 हो जाएगा और ये 9 1 जो 9 हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 21 आएगा ये, और ये आपका माइनस 6 5 जो 30 प्लस का 30 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 9 होगा और यहाँ पर ये 0 आएगा। नेक्स्ट में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22 और ये माइनस का 36 और ये माइनस प्लस 9 2 18 और ये आपका माइनस का 4 हो जाएगा। थर्ड वाले में माइनस 21 करेंगे, 6 5 से प्लस का 30 होगा, माइनस का 9 होगा और प्लस का 0 होगा। थर्ड स्टेप 21, 6 5 से माइनस का 30, 9 1 से 9 और यहाँ पर आपका 0। फिर माइनस का 21, 6 5 प्लस का 30 और माइनस 9 और यहाँ पर ये 0 होगा। थर्ड आएगा आपका 22, 6 माइनस का 36 और 9 2 18 और ये आपका माइनस का 4। चलिए अब देखते हैं 0 होता है कि नहीं होता। 22 प्लस का है और 18 भी प्लस का है तो कितना हो जाएगा, ये आपका 40 और ये भी 40 और ये भी आपका माइनस का 40 हो गया। 21 और 9 कितना होगा आपका, माइनस का 30, ये प्लस का 30 चल ही रहा है। 21 और 9 ये भी आपका 30 और ये माइनस का 30 हो गया। 21 और 9 माइनस 30 प्लस 30 चल ही रहा है। 22 और आपका 18 कितना होगा आपका, 40 हो जाएगा माइनस का 40। 30 और आपका ये माइनस 30 ये प्लस 30 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी आपका 30 माइनस 30 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका 30 माइनस 30 हो रहा है, यहाँ पर 40 माइनस 40 हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल होके आपका क्या जाएगा, ये सिर्फ 0000000000। तो बस यही आपका आंसर क्या आ गया, 0 मींस ये आपका वेरीफाई हो गया। तो सिंपल है, क्या क्लेरिफाई हुआ कि आपको ए क्यू निकालना, ए स्क्वायर निकालना, ए निकालना था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था और फाइनल आंसर क्या आना था, 0 आ जाना था। तो इसी के साथ जो आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम जो थी वो आपकी वेरीफाई हो गई और आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद एक और चीज़ है कि आपको यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है। इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स, तो हम वो निकाल लेते हैं। ए इनवर्स भी, ए इनवर्स निकालना ही बहुत सिंपल है। देखिएगा अब ए इनवर्स निकालना, मैंने एक्चुअली ये वैल्यू से नहीं डिलीट करी, इरेज करी है, क्योंकि हमें ये लिखना पड़ेगा। तो जो भी इक्वेशन हमें होती है हमारे पास, तो हम आएंगे वाई इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है आपका, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a प्लस माइनस का 4i इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम इसको पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स से। तो हो जाएगा ए क्यूब ए इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 9a ए इनवर्स माइनस 4i ए इनवर्स बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आपका माइनस का 6a, ये आपका 9i बचेगा और ये आपका माइनस 4a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, सबको उस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए या इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9i इक्वल्स टू 4a इनवर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है अभी, ए स्क्वायर और ए और आई की वैल्यू रखना है। रख देते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है भैया, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 6। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 और प्लस 9। आई की वैल्यू कितनी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और बराबर में क्या चल रहा है, 4a इनवर्स चल रहा है, बराबर में क्या चल रहा है, 4a इनवर्स। बस अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है वैल्यू को। तो मैं सीधा करूँगा, तो यहाँ पर हम करेंगे 6, आपका ये 6 2 12 माइनस का 12 और 9 1 9। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, माइनस का 5 6 प्लस का 6 और आपका यहाँ पर 0 आएगा। और फिर यहाँ पर 5 6 1 जा 6 माइनस 6 और यहाँ पर 0 आएगा। अब इसके बाद दूसरा है माइनस का 5, यहाँ पर क्या है 6 1 जा 6 प्लस का 6 और 9 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर 6 2 जा 12 और यहाँ पर आपका 9 1 जा 9। और इसके बाद तीसरे पाएंगे, यह आपका माइनस का 5,
ये 6 1 6 प्लस का 6 और ये आपका 0, 5 माइनस 6 और 9 0 हो जाएगा, माइनस 5 और ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस 6 और ये आपका हो जाएगा 0। फिर इसके बाद ये आपका है 6 6 2 12 9 1 9 और बराबर में 4 ए इनवर्स चल रहा है, वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व कैसे करूँगा, 6 में से 12 जाएगा तो 3, माइनस का 3 बचेगा यहाँ पर, प्लस का 3, 6 बचा माइनस 6 तो 3, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 1 और यहाँ पर बचेगा माइनस 1, यहाँ 6 में 5 जाएगा तो प्लस 1, यहाँ पर वही 6 माइनस 6 बचा तो 3 बचेगा और यहाँ पर आपका 1 बचा, 5 में तो माइनस 1 बचेगा, ये आपका प्लस 1 बचेगा और ये आपका प्लस 3 बचेगा। एक कॉस्ट क्या चल रहा है 4 ए इनवर्स, तो ए इनवर्स एक कॉस्ट हो जाएगा 1/4 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3, ये आपका ए इनवर्स आ गया। तो ये आपका ए इनवर्स का आंसर है, बहुत सिंपल आंसर है। इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी थी, ए क्यूब की और ए स्क्वायर और ए की वैल्यू तो आपके पास आई गई थी, सीधा आपको इस तरीके से आंसर लाना होता है। तो होप यू गाइस आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जितने भी कॉलेजेस हैं आपके कलीग्स हैं, आपके जितने भी कॉलेजेस हैं उनके साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।